ये कहानी है हाथी और कुत्ते की। दोनों एक ही समय पे प्रेग्नेंट होते हैं। 4 महीने बाद कुत्ता 8 बच्चों को जन्म देता है और फिर 8 महीने बाद 12 बच्चों को जन्म देता है। हाथी और कुत्ता दोनों एक ही समय पे प्रेग्नेंट हुए थे। कुछ समय बाद जब कुत्ता हाथी से मिला, उसने हाथी से पूछा, क्यों भाई हाथी, तुम तो अभी भी प्रेग्नेंट हो? मैं तो इतने समय में 2 बार बच्चे दे चुकी हूँ और अब वो बड़े भी हो गए हैं। सुनो भाई डॉगी, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ। मेरे अंदर जो पेट में पल रहा है वो पप्पी नहीं, एलिफेंट है, और मैं 2 साल में 1 बार बच्चे को जन्म देती हूँ। और जब वो जन्म लेके धरती पे आता है तो धरती को उसका एहसास होता है, और जब मेरा बच्चा रोड क्रॉस करता है तो सब मनुष्य रुक जाते हैं और मेरी प्रशंसा करते हैं। मुझे जो मिलता है वो सबका अटेंशन मिलता है। मुझे लोग अत्यंत ताकतवर और महान समझते हैं। कभी भी अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। जब आप देखते हैं बहुत ही कम समय में और एक निश्चित समय में किसी को बहुत अच्छा मिल जाता है, और किसी के भाग्य से हमें ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए और अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और अपने मन को समझाना चाहिए, मेरा टाइम आएगा, और जब वो आएगा तो लोग उसका एहसास करेंगे और प्रशंसा करेंगे। और कभी भी अपनी जर्नी को किसी दूसरे से कंपेयर ना करें। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मैं और भी अच्छी स्टोरीज आपके लिए ला सकूँ।